हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो कि JEE, नीट, CBSE सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास 11th का टॉपिक है। वैसे 10th में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन 10th में इसके बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे एडवांस लेवल पे देखने वाले हैं। बेसिक्स भी हम थोड़े से चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा जो फर्स्ट वीडियो होने वाला है वो इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इसमें हम देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरी सीरीज में और कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो हमें इंट्रोडक्शन है, तो पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम नॉर्मल जो बेसिक नेमिंग जो होती है 10th क्लास में जो हमने पढ़ी थी उस हिसाब से चलेंगे। तो पहले अपन देखेंगे बेसिक्स पूरे, फिर बेसिक्स के बाद सेकेंड चीज हम क्या देखेंगे, इसके अंदर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में स्टडी करेंगे। अल्कीन, अल्काइन, फिर इसके बारे में स्टडी करने के बाद हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स को, या हाँ ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसमें आ चुके हैं, तो हम इसके बाद पढ़ेंगे फर्दर फंक्शनल ग्रुप्स को। फिर फंक्शनल ग्रुप्स में भी हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे, जिसमें कि हमारा आ जाएगा एल्कोहल्स आ जाएंगे, फिर एल्डिहाइड्स आ जाएंगे, देन फिर एसिड्स आ जाएंगे। तो हम हर चीज को कैटेगराइज करते हुए इस पूरी सीरीज में हम पूरे IUPAC नॉमेनक्लेचर को खत्म करेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, किस तरीके से इन सब की नेमिंग करी जाती है। और ये IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है ये बेसिक होता है, पूरा मतलब नींव होता है किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, आप किसी भी क्लास में हैं तो बेसिक आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो पहले तो हम थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं। क्या बेसिक्स है आपने? तो बेसिक्स में देखिए, हमें जैसा कि पता है कि हमारे पास कार्बन कार्बन की चेनिंग होती है। क्या होती है? कार्बन कार्बन की हम चेन बनाते हैं। क्या करते हैं बना के? भैया देखिए, जैसे कि हमारे पास दे रखा है CH4, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिथेन। ये तो अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था। क्या बोलते हैं? मिथेन। मान लीजिए अपन ने क्या करा, C2H6, तो क्या हो जाएगा? ये इथेन। देन फिर फर्दर बढ़े तो क्या हो गया? H8। तो ये क्या हो गया? एथ मिथ प्रोप, तो प्रोपेन। तो पहले हमें क्या देखना है कि कितने कार्बन की चेन है। चेन सिस्टम में आपको भी समझाऊंगा कि चेन किस तरीके से बनेगी, उसके क्या रूल्स हैं, वो चीज। तो पहले हमें क्या देखना, अगर ऐसे कंपाउंड हमें दे रखे हैं उसमें एक कंपाउंड, एक कार्बन है, क्या है? एक कार्बन है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मिथ। दो कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? एथ। तीन कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? प्रोप। चार कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? ब्यूट। फिर पांच है तो पेंट। फिर छह है तो क्या यूज करेंगे? हेक्स। और ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, मैं सारे लिख देता हूं इसमें। तो इस तरीके से हम 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप, ऑफ, नन और डेक, यहां तक जाएंगे। इसके बाद भी आप जा सकते हैं, जैसे कि अपने पास आ जाता है 11 के लिए अनडेक आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास 12, 13, 14, हर किसी के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे जहां तक है 10 कार्बन से ऊपर हमारा JEE, नीट या CBSE का सिलेबस नहीं जाता है, तो हम इन्हीं के आसपास घूमती हुई चीजों को स्टडी करेंगे। अब हम एक बेसिक एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे नॉमेनक्लेचर अपना काम करता है, कैसे करता है। मान लीजिए हमारे पास एक चेन दे रखी है, ये आपको कार्बन को सिर्फ देखना है। हाइड्रोजन हमें पहले से पता है कि अगर एक कार्बन जो है वो चार बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एक कार्बन कितने हाइड्रोजन कंटेन कर सकता है? चार। लेकिन अगर वो एक बॉन्ड सी के साथ बना रहा है तो कितने हाइड्रोजन कंटेन करेगा? तीन। तो उस हिसाब से इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? तीन।
ठीक है। अब ये दो बॉन्ड बना रहा है कार्बन, यहाँ पे भी इसके कार्बन लगा हुआ है, तो कितना हाइड्रोजन कंटेन करेगा? सिर्फ दो, ठीक है। इस तरीके से इसकी चेनिंग होती है, ये हो गई अपनी चेन कंप्लीट। इसको मैं रफ कर लेता हूँ नीचे वाले को, ठीक है। अब मान लीजिए ये अपने पास एक, इसको मैं ऐसे कवर कर लेता हूँ, ये हमारे पास है एक चेन, ठीक है। अब इसको अपने को नाम देना है, तो नाम कैसे देंगे? पहले तो कार्बन काउंट करेंगे, क्या है, एक दो तीन चार पांच, कितने कार्बन है? पांच। पांच के लिए क्या हमें यूज करना है? पेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पेंट, और उसके बाद इसके अंदर सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर अपने पास किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पे एन यूज होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यूज होता है तो वहां पे ईन यूज होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे सिंगल है सबके बीच में, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूज होता है आइन, ई वाई एन ई यूज करते हैं वैसे अपन इसके लिए, आइन के लिए, या फिर वाई एन ई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एन ईन और आइन। अब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए अपन क्या यूज कर देंगे, पेंट एन, ठीक है। तो ये बनता है इस चेन का नाम। अब इसमें पहले अपन अल्केन अल्किन अल्काइन का कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं, ये समझ में आ गया था मीथेन कैसे बन रहा है, इसका अपन स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। सी फिर ये क्या बन गया, मीथेन, ठीक है। जैसे इथेन है तो इथेन में क्या आ जाएंगे, दो तो कार्बन हो जाएंगे क्योंकि सी टू है, और उसके बाद क्या हो जाएंगे, बाकी जितनी भी वैकेंसीज है, जितनी भी वैकेंट जगह है, खाली जगह है, वहां हम लगा देंगे हाइड्रोजन्स। आप इसको काउंट करके देख सकते हैं, अपना फॉर्मूला बन जाएगा, दो कार्बन, एक दो तीन चार पांच छह, छह हाइड्रोजन्स, ठीक है। उसके बाद अपन जैसे ब्यूटेन प्रोपेन पे आ जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक दो तीन दिख रहा होगा, मैं समझता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर ये कितना होगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आ गए आठ हाइड्रोजन और तीन कार्बन, तो ये क्या हो गया अपना, ब्यूटेन। तो इस तरीके से अपनी IUPAC नेमिंग होती है। तो ये तो बेसिक है अपने, जो अपन ने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, पर इसको अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे कि और इसमें हम क्या कर सकते हैं। 10th क्लास को थोड़ा सा इस वीडियो में हम रिवाइज कर रहे होंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे। इसके अंदर आया था अपने पास सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये अपना कार्बन तीन मैंने बना दिया है, ये हो गया ऐसे ऐसे, पूरा इसलिए बना के बता रहा हूँ, बाद में जब हम एडवांस की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा एडवांस नेमिंग जब करेंगे तो इसमें चीजें चेंज हो जाएगी, हमें कार्बन भी लिखना नहीं पड़ेगा, उसे हम डॉटेड शो करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पहले तो तीन कार्बन है, तीनों सिंगल चेन में है, तो ये हो जाएगा अपना प्रोप, और इसके साथ क्या लग जाएगा, एन। ये मैं अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए मैं बता रहा हूँ कि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसी के अंदर अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कार्बन है और मैंने इस कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है तो उसके लिए देख लेते हैं। ये इस जगह पे ये चार ही बॉन्ड बना रहा है, एक दो तीन और चार, यहाँ पे ये एक दो और तीन, पहले से तीन बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लगेगा सिर्फ, इतनी बात समझ में आ रही। फिर ये जो है ये एक और दो, दो बॉन्ड पहले से बना रहा है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। चार बॉन्ड करने ना, एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन और चार, फिर एक दो तीन और चार, हर किसी के चार चार बॉन्ड हो गए, एक कार्बन चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, कार्बन अभी भी कितने हैं, सी थ्री, ठीक है, तीनों चेन में है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है। होने कितने चाहिए थे, आठ, हो कितने गए, छ। प्रोपेन था यहाँ पे, यहाँ पे आठ कार्बन थे, कितना था यहाँ पे, सी थ्री ए सॉरी एच एट, यहाँ क्या बन गया, सी थ्री एच सिक्स। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप। अब एक चीज आती है हमारे पास, वो होती है इसकी मतलब नंबरिंग, भैया कौन से नंबर पर चीज लगी हुई है। तो नंबरिंग कैसे, वन
टू थ्री ऐसे नहीं, यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड लगा है, पर डबल बॉन्ड कौन सी जगह पर लगा है इसको हम वन मानेंगे। जहां से भी कहीं भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, कहीं भी अपना डबल बॉन्ड लगा हो, ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, इनको क्योंकि हम नेमिंग में इन्हें प्रायोरिटी देते हैं तो क्या करते हैं उस जगह से नेमिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहली डबल बॉन्ड लगा है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे फर्दर वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉप फिर वन पे है तो वन ऐसे वन लिखेंगे एंड देन इन, वन की जगह नहीं भी लिखें तो चलेगा, लेकिन अगर ये टू पे होता, लेकिन प्रॉप में आप इधर लगा देंगे तो ये टू नहीं कहलाएगा, ये अपन यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे तो ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉप इन में तो हमें इसकी जरूरत पड़ने ही नहीं वाली, हम इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये पूरा क्या हो जाएगा प्रॉप इन। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं आइन का। क्या करते हैं कार्बन 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 ये ले लिया और इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये लगा दिया अपन ने हाइड्रोजन, ये लगा दिया हाइड्रोजन, ये लगा दिया हाइड्रोजन। ठीक है, इसके एक दो तीन और चार, चारों बॉन्ड कंप्लीट है, लेकिन इस वाले कार्बन के एक दो तीन और ये चौथा बॉन्ड लगा दिया अपन। ठीक है, अब इसको अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट कार्बन पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे कि ये हो गया अपना एक दो तीन चार ब्यूट, तो क्या लिखेंगे ब्यूट। फिर यहाँ पे अपन इसकी पोजिशन लिखेंगे, पोजिशन क्या है वन, पोजिशन वन और फिर टाइन, ब्यूट टाइन। ठीक है, इतनी बार समझ में आती। अब मान लीजिए कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये यहाँ नहीं होता, कहाँ होता, ये बीच में होता इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं बनता। ठीक है ना, क्योंकि एक दो तीन और चार, और यहाँ पर इसके कितने हुए एक दो तीन और चार, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बनेंगे पूरे तीनों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, नेमिंग में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बस चार कार्बन है तो ब्यूट, और ये नेमिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहां से जाएंगे हम वन टू थ्री फोर। ठीक है, चारों कार्बन को गिन लिया तो यहाँ पे सेकंड नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इधर से। अब मान लीजिए इधर से स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर, तब भी सेकंड कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ नेम क्या चेंज होगा, टू ब्यूट टू आइन। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ये था अपना बेसिक्स जो आपने टेंथ क्लास में पढ़ रखा है। हम अगली वीडियोस में थोड़ा सा इन सब के ऊपर क्वेश्चंस लेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेंगे, जिससे कि आप 11th की तरफ मूव करेंगे, 10th क्लास को पीछे छोड़ के। ठीक है, तो थैंक यू।